हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने रियल टाइम ट्रेंड्स कैसे बनाते हैं उसको सीखा था। आज की क्लास में हम नेविगेशन बटन कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे उसको बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिजाइन मोड में आएंगे, तो इसको एक बार स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक दूसरी स्क्रीन बनाएंगे। राइट क्लिक करके एक न्यू विंडो ऐड कर लेंगे। इस विंडो का नाम मान लीजिए मैं स्क्रीन अंडरस्कोर 2 डाल देता हूँ, स्क्रीन अंडरस्कोर 2। तो ये हमारी स्क्रीन नंबर 2 हो गई और ये पहले जो बनी हुई थी ये हमारी स्क्रीन नंबर 1 है और ये स्क्रीन नंबर 2 हो गई। इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कुछ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला बैकग्राउंड डाल देता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस स्क्रीन में अभी तो कोई टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक को हम इस स्क्रीन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक को हमें कवर करने के लिए दूसरी स्क्रीन बनानी पड़ती, वो हमने यहाँ पर बना ली। दोनों स्क्रीन के अंदर हम दो दो बटन डालेंगे क्योंकि स्क्रीन हमारी दो है। यहाँ पर सिखाने के पर्पज से दो बटन लेंगे दो स्क्रीन में जाने के लिए, पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर और दूसरी स्क्रीन से वापस पहली स्क्रीन पर आने के लिए कैसे नेविगेशन बटन बनाएंगे उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन नंबर 1 में दो बटन बना लेते हैं, वही सेम बटन हम स्क्रीन नंबर 2 में कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम विंडो कंट्रोल के अंदर आएंगे, विंडो कंट्रोल के अंदर बटन में आएंगे और यहाँ पर बटन लेंगे। ये बटन आ गई, इस बटन के अंदर सबसे पहले इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। टेक्स्ट पे हम लिख देंगे स्क्रीन 1, ये हमने स्क्रीन 1 नाम दे दिया। तो ये स्क्रीन 1 पे जाने के लिए हो गई। अब इसके अंदर हमें इवेंट में जाना है, इवेंट में जाना है। इवेंट के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंडो ऑपरेशंस के अंदर ओपन विंडो, ओपन विंडो के अंदर क्लिक करेंगे और इस बटन से हमें कहाँ जाना है स्क्रीन 1 की कमांड लिख देते हैं। यानी कि ये बटन अगर प्रेस करोगे, अगर ये किसी दूसरे पेज में है तो ये स्क्रीन 1 पे आ जाएगा। तो एक बटन हमने यहाँ पर बना ली। अब इसको एक बार कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और इसका नाम सबसे पहले चेंज कर देंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, कंटेंट में स्क्रीन नंबर 2 कर देंगे। तो ये स्क्रीन नंबर 2 के लिए हो गई। और इवेंट के अंदर आएंगे और ओपन विंडो के अंदर आएंगे, ओपन विंडो के अंदर हम स्क्रीन नंबर 2 कर देंगे। इस तरह से इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये दो बटन यहाँ पर स्क्रीन नंबर 1 पे जाने के लिए और स्क्रीन नंबर 2 पे जाने के लिए बना ली। इन दोनों बटन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और सेकेंड वाली स्क्रीन के अंदर इसको रख देंगे। सेम बटन हमारी स्क्रीन नंबर 1 में है और वही सेम बटन हमारी स्क्रीन नंबर 2 में है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सेव करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी दो बटन यहाँ पर बनी हुई हैं। ये हमारी स्क्रीन नंबर 1 है, ये वाइट कलर की है स्क्रीन नंबर 1 है और जो ग्रीन कलर की बनाई है वो स्क्रीन नंबर 2 है। तो हम स्क्रीन नंबर 2 पर क्लिक कर देंगे तो ये हम स्क्रीन नंबर 2 पर पहुँच गए। जब हम स्क्रीन नंबर 1 की बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो ये वापस स्क्रीन नंबर 1 पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हैं, नेविगेट बटन के थ्रू मल्टीपल विंडोज़ को नेविगेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने नेविगेशन बटन को सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।